जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टीचर में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से आईटीए पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 2021 का और 2022 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मेरिट लिस्ट या कट ऑफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप भी जा करके डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी देखिए कई सारी वैकेंसी भी आप सभी के लिए आई हुई है, जैसे कि बार की बम्पर वैकेंसी निकली है, इसरो की तरफ से दो वैकेंसी निकली है और दोनों का फॉर्म भरना शुरू है। जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी देखिए इसका कट ऑफ आप देखिएगा, 2021 का कट ऑफ आपको पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा 2021 का कट ऑफ। देखिएगा तो इसमें कारपेंटर ट्रेड का 76 जनरल में गया है, 71 ओबीसी, एससी में 66 और 61 गया था एसटी में। कट ऑफ बनता है 10th प्लस आईटीआई के एवरेज बेसिस पे, ठीक है। दोनों का परसेंटेज को ऐड करके 2 से भाग दिया जाता है। कोपा का देखिए तो 82 जनरल में गया था, 81 ओबीसी में, 81 एससी में और 77 एसटी में गया था। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन में देखे तो 85 जनरल और 84 ओबीसी में, और वहीं फीटर की बात करें तो 80 जनरल और ओबीसी का 79 गया था। आप ईडब्ल्यूएस का खोजिए तो ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो ईडब्ल्यूएस का नहीं बना था और सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इससे मेरिट लिस्ट में ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से कट ऑफ नहीं बताया गया था, ठीक है। तो ये रहा, आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पेंटर जनरल का देखिए 64, 57 जो है यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए, प्लम्बर के लिए 82 है, 80 है ओबीसी में, ठीक है। इसी तरह से वायरमैन का देखिए, यहाँ पे वायरमैन का 79% जनरल, 78 जो है ओबीसी, 77 जो है एससी में, आपको 74 एसटी में देखने को मिला दोस्तों। अब हम आपको दिखा देते हैं 2022 से कट ऑफ। ये देखिए, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है दोस्तों, और ये सेकेंड मेरिट लिस्ट है, और ये थर्ड मेरिट लिस्ट है। तीनों वाला अलग, तीनों हम अपलोड कर देंगे। तीनों का आप मिलाइए तो आपको भी जानकारी मिलेगा। ये देखिए इसमें आपको दिया गया है, ये जो है कोपा ट्रेड का है, तो कोपा में नीचे तो ये तो जो भी टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है उसमें पता चलेगा कि ये जो है 81 तक गया हुआ है, एसटी में 81, ओबीसी में 85 गया हुआ है और जनरल में तो इससे भी एवं गया है, लेकिन जनरल में 77.5 गया, 0.5। अब आगे हम बात करें कारपेंटर में 84.42 गया हुआ है, ड्रॉटमैन में 89, इलेक्ट्रिशियन में देखिएगा तो इलेक्ट्रिशियन में 85। ये अब देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 85 गया था, थर्ड लिस्ट आते हैं तो आपको थर्ड लिस्ट देख लेते हैं, थर्ड लिस्ट में कितना गया था। इससे देखिए यहाँ पे थर्ड लिस्ट आ गया है, और थर्ड तीन लिस्ट आया था पिछली बार, तो इस बार भी दो तीन मेरिट लिस्ट आएगा, तीन वो तो कम से कम आ जाएगा। 78 गया था थर्ड मेरिट लिस्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में 78 गया है एसटी कैंडिडेट का। वहीं हम जनरल का देखें तो जनरल में ओबीसी में 84 गया है वो थर्ड मेरिट लिस्ट में, और जो जनरल है जनरल का 76.15 गया है। वहीं हम बात करें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 85 गया था और थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका 76 गया है। या फीटर हम बात करें फीटर में, तो फीटर देख लेते हैं, इस तरह से मिला लीजिएगा आप भी थोड़ा, क्योंकि सभी ट्रेड के बारे में हम बता नहीं सकते पाएंगे, तो सबको देख लीजिए। जो जो ट्रेड आपका है उस ट्रेड में आप जरूर मिला अपना में चेक चेक कर लीजिए। जनरल का देखिए फीचर में तो ऊपर देखना है, यहाँ पे ओबीसी है, ओबीसी में पहले देख लेते हैं, तो ओबीसी में 81 थर्ड तक गया है, फर्स्ट तक कितना गया हुआ है फीचर। यहाँ पे देखिए यूआर है, यहाँ पे ओबीसी में, ओबीसी में 86 गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट 81 गया है। अब हम यूआर का देखें तो यूआर में देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट 78 गया हुआ है और सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट जो है यूआर का थोड़ा इससे कम गया होगा 2-4%, और यहाँ पे ओबीसी यही जनरल है, जनरल आ गया। ये जनरल में देखिएगा तो ये गड़बड़ी लगता है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे 43 तक दिखा रहा है जनरल, ये भी 53 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये फीचर में 53 तक दिखाया जाए, 57, 59, 62, 61, 61, 61% क्या परसेंट क्या यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। तो फीटर वाला तो 61 तक भी दिखाई दे रहा है, 53 भी दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक बार मिला लीजिएगा, आप जिस ट्रेड में हैं उस ट्रेड का कट ऑफ मिनिमम पिछले तीनों तीनों मेरिट लिस्ट कितना गया हुआ है एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो कट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई रहता है, लेकिन थर्ड आते आते काफ़ी लो भी देखने को मिल जाता है। फॉर्म अप्लाई करिएगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट, जैसे कि देखिए अभी क्या है ना, काफ़ी सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं अलग अलग जगह पे, जिसका मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है। मेरिट लिस्ट जैसे ही आना शुरू होगा और आएगा तो सब लोग अलग अलग ज्वाइन कर लें। बाकी SECR का जब लास्ट में आएगा, तो जब आएगा तो लास्ट में तो नहीं आया, फॉर्म खत्म होते ही 1 महीने के अंदर इसका मेरिट लिस्ट आ जाता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो काफी कैंडिडेट अलग अलग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो नहीं ज्वाइन कर पाते, तो इसीलिए 3 मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, सीट कम है, 500 देख रहे हैं, 500 समथिंग है। तो तभी ये मत देखिए, आप फॉर्म को अप्लाई कर दें, फॉर्म बने कोई फीस नहीं है, और आएगा या नहीं आएगा तो बात की बात है, लेकिन चांस है कि आपका कट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो कैसे भी हाई जाएगा, 85-86 या 90 पार भी आ सकता है, लेकिन सेकेंड में भी थोड़ा सा लो आया, थर्ड काफी लो देखने को आपको मिल जाएगा। तो अप्लाई कर दीजिएगा, और इसका फॉर्म भरने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इस वीडियो में बताया गया पूरा प्रोसेस और इसमें पूरी जानकारी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जगह के साथ। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा।